स्वागत है दोस्तों आपका एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और भाई पिछली बार ही आपको पता ही होगा स्टोरी बहुत ज़्यादा खतरनाक चल रही है, उसी वजह से जो है मैं घर नहीं गया, मैं यहीं पे वेट कर रहा था टाइम स्टार्ट होने का मिशन का, और मौसम भी थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था। आपको पता है पिछली बार मैंने जो पोर्शन पिया था ना भाई, उसकी वजह से मेरे को चक्कर आ चुके थे, उसी का नशा मेरे को जो है अभी तक भी है। तो मैं इसी वजह से जो है मिशन को सोच रहा था कि ट्राई कर लूँ, लेकिन मिशन में अभी 4 मिनट का टाइम है क्योंकि 10 बजे से जो है यहाँ पे बैठता है हरमिट, तो उसके लिए मेरे को वेट करनी पड़ेगी। और मुझे लग रहा है ना भाई अब जो है मिशन बहुत खतरनाक होने वाले हैं, तो पूरी वीडियो लास्ट तक देखना। जो चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आती है तो यार लाइक जरूर से मार दिया करो। चलो तो अभी बात करने वाले हैं कि मिशन्स में क्या चल रहा है। अभी फिलहाल देखो यहाँ पे जो है मिशन आ रहा है, लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूँ हुआ क्या है। हम जो है ना एक पोर्शन पिए और उसके बाद जो है ड्रीम्स में चले गए, जबकि मैंने 2 बार फाइट कर ली, लेकिन हर्मिट का कहना है कि जो मेन चीज़ें हैं ना वो अभी भी बाकी हैं, और वहाँ पे भाई मैं परमानेंटली नहीं रह सकता। तो लेट्स गो, मिशन को स्टार्ट करते हैं, आगे की स्टोरी को वहीं पे जानेंगे। तो फिलहाल जो है फिर से हम जो है हर्मिट से बात करनी पड़ेगी, और ये ना बार बार मेरे को वहाँ पे भेज रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है, तो उस चीज़ को जो है देखने के लिए मेरे को उससे बात करनी पड़ेगी। लेट्स गो। तो अभी जो है हमारी हर्मिट से बात हो चुकी है, और इसको चाहिए वाटर लिली के 6 फूल, जैसे कि इसको पिछली बार चाहिए था मार्स मशरूम 6 जो है मैंने ला के दिया था, उससे इसने पोषण बनाया था। बट फाइनली जो है ये लास्ट टास्क होने वाला है हमारा, डायरेक्टली हमें हर्मिट ने बता दिया। और भाई कार की जो आप लेवल देख रहे होंगे ना, ये जो मैप अभी मेरा ऐसा हिल रहा है, ये उसी का अभी तक का असर है, क्योंकि जो है मैं रेस्ट नहीं कर पाया। डायरेक्टली मैं सोच रहा था कि भाई इस मिशन को भी जो है जल्दी से कंप्लीट कर दूं। तो फटाफट से मेरे को लोकेशन आपको दिखाई दिया कहाँ जाना है, तो वहाँ पे जाना पड़ेगा। और मिशन का नाम देखो स्वाम्प इन इंग्रेडिएंट, तो इसको जो है फटाफट से लेते हैं और उसके बाद जो है मैं आपको मिलता हूँ। देखो बहुत दूर तो जाना नहीं है, लेकिन ज़्यादा पार्ट्स ऐसे नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन अभी देखो जो ये मैप हिल रहा है ना उसकी वजह से जो है मैं गाड़ी भी कंट्रोल अपनी नहीं कर पा रहा हूँ, तो बहुत दिक्कत आने वाली है, तो जल्दी से जो है वहाँ पर पहुँचते हैं। ओके, तो फाइनली जो है अपन लोकेशन पे आ चुके हैं, और यहाँ ही पे हमें जो है लिली वाटर लिली वाले जो हैं फूल मिलने वाले हैं, 6 कलेक्ट करने हैं, जल्दी से उनको कलेक्ट करेंगे। बट मेरे को अभी यहाँ पे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा भाई, देखो इधर के एरिया में तो है नहीं, सिर्फ ये लग रहे हैं मेरे को, बट ये तो हो नहीं सकते ये। ओके ओके ओके, रेंडर हो चुके हैं। ये है भाई वो वाटर लिली। अरे ये क्या हो रहा है भाई, अरे पेड़ की वजह से हो रहा है क्या, देख रहे हो, मतलब नशे में ना बहुत ही बुरी हालत है। लेकिन जो है मिशन तो कंप्लीट करना पड़ेगा, और अभी तक के जितने भी मिशन हुए हैं बहुत धासु हुए हैं। ये है भाई, देखने में तो काफ़ी मस्त लग रहा है। फटाफट से जो है मेरे को 6 कलेक्ट करने पड़ेंगे, और आगे मेरे को दिख रहे हैं एक और, ये देखो इधर की साइड भी। तो ऐसे करके मैं जो है फटाफट से 6 को कलेक्ट करता हूँ, और उसके बाद मिलते हैं कि पोषण के साथ हमारे साथ क्या होने वाला है पोषण पी के, ठीक है। तो भाई फाइनली जो है अपन फूल कलेक्ट करके आ चुके हैं, और अब बारी है हर्मिट से बात करने की कि आगे जो है क्या किया जाए। बिकॉज देखो जो नशा था ना कल का, आपको दिख ही रहा होगा लेफ्ट साइड में जो है ग्लास भी बना हुआ है भाई, ये पोषण बहुत ज़्यादा ताकतवर था, और ये वाला इससे भी ताकतवर होने वाला है। मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा तगड़े मॉन्स्टर से हमारी जो है फाइट होने वाली है, क्योंकि ये जो है ना लास्ट होने वाला है, और मेरे ख्याल से जो हर्मिट का लास्ट मिशन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, तो इससे बात करते हैं। चलो तो भाई फाइनली मिशन कंप्लीट हो चुका है हमारा, और इसने कहा है कि जब तुम थोड़ा सा ना रेस्ट करो, और रेस्ट करने के बाद उसके बाद हमारे पास आना, उसके बाद मैं जो है आपके लिए पोर्शन रेडी रखूंगा। तो फिलहाल देखो अपन का जाने का मूड बिल्कुल नहीं है, और मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना जो है मिशन को कंप्लीट यहीं पर किया जाए, और टाइम भी मेरे हिसाब से बढ़िया हो रहा है परफेक्ट। तो अपन ऐसा कर सकते हैं कि डायरेक्टली यहीं से मिशन को स्टार्ट करते हैं और फाइनल करते हैं। यहाँ पर देखो भाई प्लेन भी जा रहा है मस्त तरीके से, देखो अभी टाइम तो ज़्यादा हुआ नहीं है, और ज़्यादा चीज़ें शायद से मेरे को देखने के लिए भी नहीं मिलेगी, तो लंबी वीडियो हो सकती है थोड़ी सी, वो मेरे को पता नहीं कितने कट लगेंगे। बट अपन जो है डायरेक्टली मिशन को कंप्लीट करते हैं, और देखते हैं कि फाइनल बॉस किस टाइप का होने वाला है। तो फाइनली जो है हम आ चुके हैं, अभी मेरे को जो है बात करनी पड़ेगी सेम हर्मिट से, फटाफट से बात करते हैं। रेडी फॉर द चैलेंज, ओके चैलेंज के लिए तो अपन रेडी हैं, और हम जो है घर में आ चुके हैं, और घर में आने का रीज़न क्या है, सिंपल से इनसे बात करना। तो हर्मिट ने भाई हमें जो है एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोशन दिया, उसने मेरे को पहले बता दिया, और अपन जो है एंट्री कर चुके हैं फिर से ड्रीम में, और सेम वही मिशन मेरे को लग रहा है, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि जो स्प्रिट्स हैं वो बहुत तगड़ी होने वाली हैं। तो फटाफट से सारी जो है जो भी ये हैं इनको आग जलाते हैं फटाफट से, और सिंपल से वही सीन है कि इनको बुझने नहीं देना, लेकिन मेरे को लग रहा है ना स्प्रिट्स थोड़ी ही हैवी आएंगी, क्योंकि हर्मिट ने मेरे को पहले ही बता दिया कि इस बार जो है थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग आएगी। साथ वो हमारा यहाँ पे देगा, बट करना सब कुछ हम ही है, तो जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी वो जा करके देख लेना, तभी स्टोरी पूरी क्लियर होगी। तो अभी अपन को फटाफट से इनको जलाना है, और उसके बाद जो है वेट करते हैं कि भाई जो हमारे पास आने वाले हैं डीमंस किस टाइप के आने वाले हैं। तो 2 जो है मेरे पास और रह चुकी हैं, तो इनको भी जो है जला लेते हैं। ये देखो इधर से रास्ता ना, रास्ता ढूंढने के लिए आपको बहुत ट्राई करनी पड़ेगी, बट आप थोड़ी सी ट्रिक्स लगा सकते हो। देखो यहाँ पे ही मैंने जो है इसको कर दिया, लेकिन अपन ना भाई डीमंस के टाइम पे ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, बिकॉज बहुत कम टाइम मिलता है, और वो इन्हें बुझाने की पूरी पूरी फिराक में रहता है, क्योंकि उसका फ़ायदा है ना उसमें, और हमारा फ़ायदा है इनको दोबारा से जलाने में। तो वही हर्मिट ने कहा, ये देखो भाई, अरे 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 भाई साहब ये डीमन क्या छोड़ने लग गया। ओ गाइस ये मेन डीमन है, और आई थिंक शायद से इसी को मेरे को मारना है, और मारते रहना है बस।
लेकिन इसकी हेल्थ तो बहुत ज़्यादा कम हो रही है। ये ना मेरे को जो है बैलेंस नहीं करने दे रहा। ओ भाई साहब ये देखो गाइस, थोड़ा सा ना टाइम लेके जो है इसको मारते हैं भाई। लग तो रही है इसको, लेकिन इसकी हेल्थ ना उतनी ज़्यादा जा नहीं रही, देख रहे हो। और फिलहाल मेरी जो एक आग है वो भी बुझी हुई है, तो अब मेरे को सोच रहा हूँ मैं क्या करूँ। देखो इसको ना मारना बहुत मुश्किल है, अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। देखो इसने जो है शील्ड भी लगा ली, ये आई थिंक शील्ड है क्या, या इसको मारना पड़ेगा? नहीं नहीं भाई शील्ड है, तो ऐसा करते हैं ना इसको शील्ड को छोड़ते हैं अभी। देखो ये शील्ड है ना, जब तक इसकी शील्ड रहेगी शायद से हम इसको नहीं मार सकते, बिकॉज तुम देख ही रहोगे ना इसकी हेल्थ बिल्कुल नहीं फ़र्क पड़ रहा। और इसने मेरी जो है ना एक आग बुझा दी प्रॉपरली, तो अपन ऐसा करते हैं इसको छोड़ते हैं और अपनी आग को जलाते हैं, बिकॉज दूसरी तरफ भी जो है मॉन्स्टर जा चुका है। तो भाई ये मेन बॉस होने वाला है, दूसरा जो है इसके साइड में इसकी हेल्प कर रहा है, ताकि वो जो है मेरे को एक साइड जो है लगा के रखे और ये जो है चैलेंज को कंप्लीट कर सके। तो फटाफट से अपन इसको छोड़ते हैं अभी, एक दो तो मारेंगे ज़रूर से, लेकिन अभी मेरे को ना पहले अपनी सारी आग को जो है जलाना पड़ेगा, बिकॉज मैं थोड़ा सा लेट तो हो गया हूँ। लेट्स गो, यहाँ पे देखो भाई इसको फटाफट से जलाते हैं। और गाइस कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आपका फेवरेट पार्ट इसमें कौन सा था और कौन सा मिशन था। चलो फिलहाल जो है अपन पहुंचने वाले हैं भाई, बहुत लंबी सीरीज जाने वाली है ये, मुझे को इतना अंदाज़ा नहीं था कि रशियन गेम इतना तगड़ा जाने वाला है भाई। बहुत सारे पार्ट्स इसके बन चुके हैं, तो मेक श्योर कि आपने पूरी स्टार्टिंग से देखना, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है भाई। फिलहाल जो है देखो ये इसने भी जो है यहाँ पे आग बुझा दी, तो भाई मेहनत का काम तो है, मेहनत लगेगी भाई, थोड़ा सा टफ होने वाला है ये मेरे लिए, बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। अपन को इनको भी बचाना है और इसको भी मारना है, तो फटाफट से जो है इनको निपटाने का प्रोग्राम सेट करते हैं भाई। लोग ये डीमन ना बहुत खतरनाक है, लेकिन मेरे को एक चीज़ अभी आइडिया हो चुका है कि हमें करना क्या है। देखो मैं ना आपको दिखाता हूँ कि करना क्या है। देखो फिलहाल अपन को ना इसको मारना है, और साथ में अपनी जो आग लगी हुई है चारों तरफ, इनको भी जो फायर लगे हुए हैं इनको जो है जलाए रखना है, और उसी के साथ में मेन फोकस आपको मेन डीमन पे रखना है, बिकॉज ये मरेगा ना तभी मिशन कंप्लीट होगा। उनसे आपका कोई लेना देना नहीं, उनसे तो सिर्फ आप जो है फाइट में बने रहोगे जब तक कि वो आग जलती रहेंगी। तो अपन को क्या करना है, मेनली इसको हराना है। और ये देखो भाई कितनी स्पीड से जो है अपन ने हराना स्टार्ट कर दिया। देखो जब उसके पास शील्ड आएगी ना, तब अपन जो है अपनी जो फायर बुझी हुई है उसको जो है जला देंगे, वरना जो है इसको अटैक करेंगे। ताकि देखो आप बिना अटैक करे छोड़ देता हूँ ना भाई इसको मैं, तो इसकी हेल्थ भी जो है कंप्लीट होती रहती है, तो इस वजह से थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। लेकिन अपन भी जो है हार मानने वाले नहीं है भाई अपन, तो इसको जो है फटाफट से मारेंगे। लेकिन अभी ना मैं फटाफट से देखता हूँ भाई, उधर की जो है आग फिर से बुझ चुकी है, तो मेन मौके की मेरे को तलाश है कि मेरे को मौका मिले। चलो यहाँ से बहुत जल्दी मर गया, तो इस बारी थोड़ी सी इसकी हेल्थ हम जो है डाउन कर सकते हैं मेरे ख्याल से हाफ के करीब। ये एक ना जो ये मेरा जो बैलेंस है उसको नहीं बनने दे रहा, तो उसकी वजह से थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत और लग रही है, बट ट्राई तो अपन पूरी कर रहे हैं। ये देखो भाई पूरी ट्राई चल रही है, आई होप कि जो है हम इसे मार पाएँ और यहाँ से बाहर निकल पाएँ, क्योंकि ये फाइनल होने वाला है मेरे ख्याल से हर्मिट मिशन, और उसके बाद जो है चीज़ें थोड़ी सी और चेंज देखने के लिए मिल सकती हैं अपन को। तो भाई यहाँ पे फिर से इसने मेरी आग बुझा दिया है, तो भाई इसको भी जो है अपन फिर से जलाएंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखना तुम, कि इसको मारने के चक्कर में ना अपनी जो फायर लगी हुई है उनको कंप्लीट करते रहना, वरना जो है मरने वाले हो। यहाँ पे भाई देखो इसकी हेल्थ ना बहुत कम कर दी हमने, और ये देखो अब सिल्डर लग गई ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, बट मैं यहाँ पे फंस गया भाई। अबे अपन फंस गए भाई, क्या इसी, अच्छा निकल गए यहाँ से निकल गए। तो अपन को ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी जो है ट्राई नहीं करना है कुछ भी उल्टा सीधा। लेकिन भाई इस डीमन की हेल्थ जो कंप्लीट हो रही है ना दोबारा से, वो मेरे को थोड़ा सा अब एंजाइटी दे रहा है भाई। ये देखो रुको, इसको मारते हैं यहाँ से फटाफट। अब की बार इसकी हेल्थ में थोड़ी सी ना बहुत ज़्यादा डाउन करता हूँ, बिकॉज मैं बहुत करीब आ चुका हूँ इसके। और देखो मेरे को ना एरो थोड़ी सी पुश करनी नहीं पड़ रही, तो इस वजह से जो है अपन इसकी हेल्थ को बहुत लेवल तक ले चुके। देखो इस शील्ड लगी चुकी है गाइस, फटाफट से जो है जलते हैं और फायर को जला के आते हैं। तो आपको सिर्फ यही करना है, फायर को जलाते रहना है और मेन फोकस करना है कि डीमन को हरा पाएं, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलो फटाफट से जो है कंप्लीट हो चुकी है। और भाई ये देखो इसकी जो है ना अभी तक भी शील्ड नहीं हटी, दोबारा से शायद लगा ली क्या, मेरे को समझ नहीं आया। चलो फटाफट से एक देखो अभी भी जो है बुझी हुई है, तो मेन फोकस उस पर भी रखना है, लेकिन साथ में आपको फायर का ध्यान रखना है। ऐसा मत करना कि चलो एक दो बुझी तो हैं बाकी तो जली हुई है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो बिल्कुल भी रिस्क मत लेना, और अपन जो है इसको पूरा डीमन को हराने वाले हैं। ये देखो अभी मैं इसके करीब जाने की सोच रहा हूँ, बिकॉज मेरे को ना फिर बहुत ज़्यादा पुश नहीं करनी पड़ेगी, और फटाफट से जो है मैं इसको डीमन को मार सकता हूँ। ये देखो भाई कितनी स्पीड से, ये देखो गलत टाइम पे भाई सीड लगा लेता है, उसके बाद इसकी हेल्थ कंप्लीट होनी शुरू होती ना, तो वहाँ मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, बट क्या करें, करना तो पड़ेगा ना अपन को। चलो ये देखो भाई फिर से जो है हमने फायर को जला दिया, और अब की बारी फिर से जो है इसके करीब आ चुके। और क्या ये इस बारी मैं जो है करीब ले जाऊँगा इसको या नहीं, बिकॉज मेरे को लग रहा है कि शील्ड एक बारी और लगेगी इसको। अरे यार ये क्या हुआ, रुको, चलो वो जो है सामने ही देखो लगा हुआ है बंदा, वो बंदा सामने ही लगा हुआ है भाई।
अरे नहीं ऐसी कम तैसी तेरी कैसे बुझा देगा भाई, ये बंदा भी तो पीछा नहीं छोड़ रहा ना, तो दोनों तरफ से मेरे को परेशानी हो रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, गेम तो इसी का नाम है ना। चलो अभी ऑलमोस्ट फिर से जो है करीब आ चुके हैं भाई, बहुत कम हेल्थ है लेकिन अपन इसको मार नहीं पा रहे, समझ नहीं आ रहा कि क्या सीन है। ये देखो बिल्कुल बैलेंस जो है बनने नहीं दे रहा ना, उसकी वजह से थोड़ी सी चीज़ें जो है बेकार हो रही हैं। ये देखो भाई पूरी पूरी हेल्थ बहुत कम हो चुकी है गाइज, क्या फाइनली टच दे सकते हैं? अरे नहीं, एक शील्ड और लगेगी शायद से मेरे को, अभी ना मेरे को ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, फटाफट से तब तक शील्ड रहती है ना, इसको जलाता हूँ और इसको मारता हूँ, बिकॉज अगर ज़्यादा देर कर दिया ना तो उसकी हेल्थ पूरी हो जाएगी। लेट्स गो, चलो शील्ड हट चुकी है गाइज, और ये देखो भाई फटाफट से तेरी ऐसी कम तैसी। ओके 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 लेट्स गो गाइज, क्या इस बारी मार पाएंगे क्या इसको हम वन? अरे नहीं फिर से भाई शील्ड, देख रहे हो निराशा इसी तरीके से हाथ लगती जा रही है, क्या ही कर सकते हैं, लेकिन अपन को फोकस पूरा पूरा करना है और चीज़ों को बिल्कुल भी जो है हल्के में नहीं लेना। लेट्स गो, ये देखो भाई फिर से जो है यहाँ पे भी बंदा लगा हुआ है भाई, इधर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इसकी हेल्थ जो है ना दोबारा से रिफिल हो रही है भाई, उसका थोड़ा सा सीन देखना पड़ेगा मेरे को यार, क्या ही कर सकते हैं बताओ। चलो ये डीमन तो हमने ख़त्म कर दिया, अभी ये किधर है? तेरी ऐसी कम तैसी, तू मेरे पास आ गाइस, क्या इसको निपटाना है? थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है क्या भाई, बहुत क्लोज हैं। अब देखो जैसे ही मैं इसके बहुत नज़दीक जाऊंगा ना, ये बंदा फिर से शील्ड लगा लेगा यार। ओ गाइस 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 गाइस, एक दो ओ ओके, फाइनली अपन ने जो है डीमन को हरा दिया है, और भाई अब बात करने की बारी है स्प्रिट से। स्प्रिट कहाँ पे है भाई? यहीं पे तो बैठती है। ओके ये रही, फिलहाल जो है भाई स्प्रिट के पास आ चुके हैं और फाइनल बॉस को अपने कंप्लीट करते हैं, बात करते हैं। फाइनली हमारी जो है स्ट्रेंथ और माइंड की जो रिलैक्सेशन थी वो हमारे वर्ल्ड में वापस आ चुकी है, बिकॉज हमने मेन जो है बंदे को हरा दिया, डीमन को हरा दिया, और अभी जो है हरमिट रहे, देखो बात करने की बात हुई। तो फिलहाल जो है अपने पास हंटर स्किल्स और रिवील डेवलपमेंट स्किल्स एंड इंक्रीज योर, थैंक यू सो मच, ओके आई थिंक यू विल सक्सीड। ओके तो फाइनल भाई लोग हरमिट की तरफ से बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं मिली, और हरमिट का कहना था कि भाई तुमने ना बहुत बड़े डीमन को हरा दिया है, उसके वजह से जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है और माइंड की रिलैक्सेशन है वो तुम्हें जो है वापस मिल चुका है तुम्हारे वर्ल्ड में, और साथ ही में भाई इसने हमें दी है एक गिफ्ट जो कि है मैच बॉक्स, जो कि हमारे काम आने वाला है। फटाफट से भाई लेवल अप हो चुका है और हमने जो है इसको कंप्लीट कर लिया है। और देखो मैंने आपको बताया था ना मेरे पास बहुत सारे स्किल पॉइंट्स भी पड़े हुए थे, ये देखो अब जो हर्मिट वाला कंप्लीट हो गया ना उसके बाद शायद से हॉबी में जो है हम खोल सकते हैं, ये देखो भाई साहब वो हो टूरिस्ट वाला भी खोल सकते हैं शायद से, और अब हंटर वाला भी तो कंप्लीट कर देंगे, बिकॉज मेरे पास बहुत सारे स्किल्स पॉइंट हैं, तो टूरिस्ट का भी जो है कंप्लीट करेंगे, और भाई आगे चीज़ें बहुत खतरनाक होने वाली है, अब जो है हंटिंग स्टार्ट शायद हमारी हो सकती है, तो देखना पड़ेगा, इसको भी करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में जो है आपको देखने के लिए मिलेगी चीज़ें बहुत बहुत बढ़िया। तो मेक श्योर कि आपने सब्सक्राइब कर लिया हो, जुड़े रहना चैनल से और प्यार ऐसे ही दिखाते रहो, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।